दोस्तों स्वागत है आपका जीवा स्टडी पर। हमने पिछली दो क्लासों में इंग्लिश की में नाउन के दो क्लासे ले लिए, जिसमें पहली में हमने बेसिक देखा था जो नाउन के टाइप्स हैं और नाउन की मीनिंग देखी थी, और अब हम देखेंगे एपोस्ट्रोफी और रूल्स। और पिछली क्लास में पर्सोनिफिकेशन और रूल भी देख लिए थे हमने, कुछ पांच रूल देख लिए थे, आज हम छह से आगे के रूल देखेंगे और एपोस्ट्रोफी के बारे में है सारे रूल, तो वो जानेंगे। ठीक है, अब आप को हर चीज एकदम बेसिक तरीके से छोटी छोटी बातें बताई जाएगी, तो आप इंग्लिश चुटकियों में सीख सकते हैं। तो बने रहिए है जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलो हम शुरू करते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एपोस्ट्रोफी शुरू करते हैं। एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी क्या होती है? ठीक है, ये टू सो बिलोंगिंगनेस, ठीक है, बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप, ठीक है, और जैसे पोजेसिव या पोजेशन, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी क्या होती है? एपोस्ट्रोफी टू सो बिलोंगिंगनेस ओनरशिप एंड पोजेशन, ठीक है, बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप पोजेशन ये एक ही वर्ड है, मतलब कोई चीज पर अपने किसी का अधिकार बताना, खुद का या किसी और का, जैसे वह किताब उसकी है, वह किताब मेरी है, वह किताब मुकेश की है, वह किताब पवन की है, वह जो भी है कि वो कार राकेश की है, ऐसे कुछ भी बताना हो तो हमें एपोस्ट्रोफी का यूज करना होता है। ठीक है, तो पांच रूल तो हम पहले पढ़ चुके हैं पर्सोनिफिकेशन के साथ, अब छठा रूल देखो एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड। ठीक है, पूरे 15 रूल है, आज आपको पूरे करा देंगे, फिर अगले हम प्रोनाउन शुरू करेंगे अगली क्लास से। तो चलो स्टार्ट करते हैं छठा रूल। जब एपोस्ट्रोफी के बारे में, ठीक है, इट इज यूज्ड विथ लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स के साथ यूज होती है, तब क्या होता है? तब दो कंडीशन होती है, फर्स्ट सेकेंड, word ending with s, and word not ending with s, ये दो कंडीशन होती है जब लिविंग बींग के साथ यूज होती है। तो अब देखो एपोस्ट्रोफी क्या होती है, ऐसे एक कॉमा सी होती है ऊपर, ठीक है, जैसे कोई भी नाम हो उसके ऊपर ऐसे कॉमा टाइप से होती है ऊपर की साइड, उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो अब देखो जब वर्ड एंडिंग विथ एस, ठीक है, जब एस के साथ कोई वर्ड एंड होता है तो कैसे यूज होगी, जैसे विकास से ये एपोस्ट्रोफी लगा दी, कार इज विथ मी, ये हुई। और अगर नॉट एंडिंग विथ एस हो तब जैसे पवन्स कार इज विथ मी। तो देखो जब एस के साथ एंड हो कोई वर्ड तो एपोस्ट्रोफी होती है, ये एपोस्ट्रोफी तो कैसे यूज होती है, बिना एस के, विदाउट एस, ठीक है, जैसे विकास फिर एपोस्ट्रोफी लगा दी, फिर एस नहीं लगाएंगे, कार इज विथ मी। और जब किसी वर्ड नॉट एंडिंग विथ एस, जो एस के साथ एंड नहीं हो रहा, जैसे पवन एस के साथ एंड नहीं हो रहा, तो उसमें एपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के आगे एस लगाना पड़ेगा, तो कार इज विथ मी, ठीक है। और एपोस्ट्रोफी किस लिए यूज होती है, बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप शो करने के लिए, जैसे विकास कार इज विथ मी, कि विकास की कार मेरे साथ है, तो हम कार का विकास के साथ एक ओनरशिप, एक बिलोंगिंगनेस शो कर रहे हैं, ठीक है। वैसे पवन्स तो एस के साथ एंड होते हैं, उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगती है, और जो विदाउट एस होते हैं, नॉट एंडिंग विथ एस, उनके साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी के बाद एस और लगता है, ठीक है। छठा रूल ये हो गया, अब सातवां रूल देखते हैं। सातवां रूल क्या है? सातवां रूल है कि जब हम किसी टाइटल के साथ यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी का, तो वह टाइटल के लास्ट वर्ड के साथ यूज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। वाइल Using it with title, ठीक है, जब टाइटल के साथ यूज होती है तो क्या होता है, हमेशा used with last word, जैसे कोई भी टाइटल हो, जैसे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी टाइटल हो,
ठीक है, तो उसके साथ यूज हो तो हमेशा लास्ट वर्ड के साथ यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको समझ में आ जाएगा, जैसे द प्राइम श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियास कार इज ब्लैक। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी भी कहां यूज हुई, यहां पर इंडिया के आगे। ठीक है, तो जो टाइटल होता है, टाइटल क्या है यहां पर, ये यह यहां से कि नरेंद्र मोदी यहां से शुरू होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक टाइटल है। ठीक है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो एक टाइटल है, तो टाइटल के साथ हमेशा लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। तो एपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड क्या है टाइटल का, इंडिया, तो इंडिया के साथ यूज होगी एपोस्ट्रोफी। तो ऐसे नहीं कि यहां पर यूज कर दी द प्राइम मिनिस्टर, यहां पर एपोस्ट्रोफी लगा दी कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया कार इज ब्लैक, ऐसे नहीं होगा, हमेशा लास्ट वर्ड के साथ लगता है। तो ठीक है, तो हमेशा इंडिया के साथ लगेगा जब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पूरा टाइटल है, तो हमेशा लास्ट वर्ड के साथ लग गया। तो कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनकी कार ब्लैक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर रूल देखते हैं कि व्हाइल यूजिंग इट विज जॉइंट पोजिशन। ठीक है, जब कोई जॉइंट पोजिशन दो या जो दो से ज्यादा का किसी एक के साथ संबंध बताते हैं, तब हमेशा इसको लास्ट नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझ में आएगा, आप देखो 8वां रूल है, व्हाइल यूजिंग इट टू सो जॉइंट पोजिशन। ठीक है, जब जॉइंट पोजिशन करते हैं दो या दो से अधिक का एक के साथ बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप दिखाते हैं, तब हमेशा इसे यूज्ड विथ द लास्ट वर्ड, हमेशा एपोस्ट्रोफी को लास्ट वर्ड के या लास्ट नाउन के साथ यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, है जैसे प्रियंका एंड राहुल्स मदर इज सोनिया। ठीक है, ये क्या है, जॉइंट पोजिशन है, क्यों, क्योंकि प्रियंका और राहुल दोनों का एक के साथ सोनिया के साथ क्या दिखाया जा रहा है, पोजिशन दिखाया जा रहा है। तो प्रियंका एंड राहुल मदर इज सोनिया, तो क्या हो रहा है, देखो यहां पर राहुल के साथ यूज हो रही है एपोस्ट्रोफी, जो लास्ट नाउन है उसके साथ यूज हो रही है, कारण कि प्रियंका एंड राहुल, ऐसे थोड़ी हो जाएगा यहां पर एपोस्ट्रोफी लगा दी कि प्रियंकास एंड राहुल मदर इज सोनिया, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि प्रियंकास एंड राहुल मदर इज सोनिया, हमेशा ऐसा ही होगा प्रियंका एंड राहुल मदर इज सोनिया। तो जब जॉइंट पोजिशन दिखाते हैं तो हमेशा लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला रूल नंबर नाइन्थ रूल देखो, जब कई वर्ड एस के साथ यू होते हैं एंड उनके साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी अकेली लगती है, एस नहीं लगता, और कई ऐसे भी होते हैं जिनको एस के साथ यूज नहीं होता पर एस की आवाज आती है, साउंड आता है लास्ट में, तो उनके साथ भी हमेशा एपोस्ट्रोफी सिर्फ विदाउट एस यूज होगी। ठीक है, तो 9वां रूल क्या है, वर्ड एंडिंग विथ हिसिंग साउंड। ठीक है, इन हिसिंग साउंड कहते हैं, वर्ड एंडिंग विथ हिसिंग साउंड। ठीक है, हिसिंग साउंड क्या होते हैं, देखो हिसिंग साउंड जिनके लास्ट में एस ओ, डबल एस ओ और एस एच ओ। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हिसिंग साउंड होते हैं। एस का तो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो हमेशा इनके साथ कभी क्या होगी, डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी। ठीक है, डू नॉट यूज एस आफ्टर एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी के बाद में एस का यूज नहीं करेंगे, आफ्टर एपोस्ट्रोफी। ठीक है, ठीक है, जब हिसिंग साउंड के साथ एंड हो रहा है, एस हो लास्ट में, डबल एस हो और एस एच हो, तो हमें कभी भी एपोस्ट्रोफी के बाद में, ठीक है, एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कुछ है, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, कारण क्या है कि इसमें एस के साथ
ठीक है, मिसिंग साउंड आ रहा है इसलिए एस नहीं लगाएंगे एपोस्ट्रोफे के बाद। जैसे एक और लेते हैं मुकेश है, ठीक है, तो मुकेश एस कभी नहीं लिखेंगे, कारण हिसिंग साउंड है, उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, सिर्फ ओनली एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ड एंडिंग विद हिसिंग साउंड, जो हिसिंग साउंड के साथ जिनके लास्ट में एस 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 एच एस एस ओ, जो एस के साउंड निकलता हो जिनके लास्ट में, उनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं रूल नंबर 10, 10th रूल देखो, 10 रूल है कि इट इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होती, इट इज कौन नहीं होती, एपोस्ट्रोफी, इट इज नॉट यूज्ड विथ, नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होती, जैसे कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे जैसे टेबल और चेयर है, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे टेबल्स चेयर्स, ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे द चेयर्स लेग, चेयर्स लेग इज ब्रोकन, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, कारण कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता, ठीक है। तो द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता, ठीक है। अब देखो नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज कब कब होता है, ठीक है, तो एक्सेप्शन देखते हैं इसके, ठीक है, अपवाद देखते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं रूल 10 के, ठीक है, एक्सेप्शन। तो रूल 10 के एक्सेप्शन क्या है कि यूजेज ऑफ एपोस्ट्रोफी विथ नॉन लिविंग, क्या है, एपोस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग के साथ कैसे होता है वो देखते हैं, कब कब होता है, हर बार यूज नहीं होता है एपोस्ट्रोफी का, ऐसे हो जाता है जैसे चेयर्स लेग, ऐसे कभी नहीं होगा, कब होता है एक्सेप्शन में देखते हैं। जैसे 11 नंबर एक्सेप्शन का पहला रूल क्या है, 11 नंबर कि परसोनिफिकेशन, कल बताया था, कल की क्लास में देखना, परसोनिफिकेशन क्या होता है, परसोनिफिकेशन होता है कोई चीज जैसे नॉन लिविंग थिंग है उसे लिविंग थिंग के रूप में हम शो करते हैं तो उसे परसोनिफिकेशन कहते हैं। जब कोई नॉन लिविंग थिंग परसोनिफिकेशन हो रहा हो, ठीक है, तब हमेशा एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे सन्स फ्यूरी, ठीक है, सन्स फ्यूरी, नेचर्स नेचर्स लव, ये कैसे यूज हो रहा है कि ये परसोनिफिकेशन हो रहा है। परसोनिफिकेशन क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में शो करना हो। जैसे जो कल बताया था, कल की क्लास में आपने देखा होगा, जैसे नॉन लिविंग को लिविंग के रूप में कब करते हैं, परसोनिफिकेशन कब करते हैं, जैसे जो किसी चीज को हम नदी हो कोई चीज हो उसे हम क्या करते हैं, लव साई, जो पॉजिटिव थिंग होती है उन्हें हमेशा फेमिनाइन, ठीक है, मेल, जो एक फीमेल के रूप में हमें क्या करते हैं, शो करते हैं। और जैसे कोई भी नेगेटिव थिंग हो, ठीक है, कोई भी नेगेटिव थिंग हो उन्हें हम हमेशा मैस्कुलाइन या मैन के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन जब भी होता है तो हमेशा एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ, ठीक है। वैसे देखो आप बोलोगे सन और जो होता है ये तो लिविंग होता है, वैसे हम लिविंग का नहीं होता, जैसे पेड़ पौधे सारे होते हैं ये नॉन लिविंग में आते हैं, ठीक है, ये चल फिर थोड़ी सकते हैं, ठीक है, ये नॉन लिविंग मानते हैं इन्हें, ठीक है। अब देखो 12वां रूल कब कब यूज होता है एपोस्ट्रोफी का नॉन लिविंग के साथ, तो 12वां रूल देखो, 12वां रूल है कि कोई हेवीली बॉडी हो, कोई भारी पिंड हो, ठीक है, भारी कोई, ठीक है, हेवीली बॉडीज, ठीक है, जैसे बड़ी कोई बड़ा जैसे ये ग्रह हो, ठीक है, प्लेनेट या फिर कोई सैटेलाइट हो, इनके साथ हमेशा क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जैसे स्टार्स लाइट, ठीक है, स्टार्स लाइट, कारण स्टार बहुत बड़े होते हैं, जैसे मून्स लाइट,
ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं. जैसे एक और लेते हैं अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर. ठीक है, तो जो भारी पिंड होते हैं, भारी बॉडीज होती हैं, हैवीली बॉडीज, उनके साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं. ठीक है, और तीसरा कब कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जब रिस्पेक्टेबल नाउन हो. ठीक है, रिस्पेक्टेबल नाउन, रिस्पेक्टेबल नाउन, रिस्पेक्टेबल नाउन जैसे क्या होती है, कोर्ट्स जजमेंट, कोर्ट्स जजमेंट. ठीक है, जो कोर्ट का न्याय होता है, जो जजमेंट होता है, वो हमेशा रिस्पेक्टेबल नाउन है, तो इसके साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. जैसे ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल. ठीक है, ये सब. तो हेवेली बॉडीज, रिस्पेक्टेबल नाउन और पर्सोनिफिकेशन हो तब हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, और एक कब कर सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ. 14 नंबर रूल देखते हैं, 14 नंबर रूल है, जब टाइम प्लेस और वेट दिया हो. टाइम प्लेस और वेट, ठीक है, तब हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ. जैसे ए डेज लिव, ठीक है, ए डेज लिव, क्या ये टाइम है, इसलिए इसके साथ हम नॉन लिविंग होते हुए भी एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं. अब देखो, अब 15वां और आखिरी रूल देखो, 15th. ठीक है, ये रूल क्या है, कभी भी है ना सिंगल सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते. ठीक है, नेवर यूज डबल एपोस्ट्रोफी इन सिंगल सेंटेंस. ठीक है, नेवर, नेवर यूज डबल एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी इन ए सिंगल सेंटेंस. ठीक है, सिंगल सेंटेंस में कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते. जैसे एग्जांपल, माय फ्रेंड्स मदर्स मेड इज पास्ट अवे. ठीक है, हैज, सॉरी, हैज पास्ट अवे. ठीक है, तो कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते सिंगल सेंटेंस में. देखो यहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है, यहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है, तो कभी भी सिंगल सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते. ठीक है, तो यूज कैसे करते हैं इसका, ऐसे होगा ये, द मेड ऑफ, ठीक है, द मेड ऑफ माई फ्रेंड्स मदर हैज पास्ड अवे. यहां पर भी पास्ड होगा, पास्ड अवे, ये सही होगा. ठीक है, अब देखो, जब नेवर यूज डबल एपोस्ट्रोफी ने सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते. जैसे माय फादर, माय फ्रेंड्स मदर्स मेड हैज पास्ड अवे, ऐसे कभी यूज नहीं करेंगे. ठीक है, हमेशा यूज होगा एक सिंगल एपोस्ट्रोफी का, तो द मैन मेड ऑफ माय फ्रेंड्स मदर हैज एक्सपायर्ड. ठीक है, और एक देख लेते हैं अपन, जैसे एक्सपायर्ड और पास्ड अवे में क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनके साथ हमेशा एक्सपायर्ड आता है. ठीक है, एक्सपायर्ड कब आता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ, और लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा पास्ड अवे आता है या पास अवे. ठीक है, पास अवे आता है हमेशा लिविंग थिंग के साथ. ठीक है, तो आज नाउन अपनी कंप्लीट हो गई है, तीन क्लासें, पिछली दो भी देखना, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी और नाउन के टाइप्स देख लिए. अब हम अगली क्लास में प्रोनाउन पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ. और जल्दी आरपीएससी, आरपीएससी मैथ फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है सर, अभी बिजी हैं थोड़े, वो आ जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ की क्लासेस. ठीक है, धन्यवाद, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें.